ये इसका निर्णय तो कोर्ट में लेना है, ये तो बेइज्जती कोर्ट की हुई है। अब के कोर्ट इस पे तो साफ तौर पर माना जाए कोर्ट की बेइज्जती की हमेशा ने बेइज्जती भी है और कोर्ट को धमकी भी है। ये इतनी बड़ी धमकी कोर्ट को दी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट को। अब ये सुप्रीम कोर्ट का काम है इस धमकी का जवाब दे। मैं क्या देता किसने दिया है देखिए चार चीज दो चीजें भारत के इतिहास में पहली दफा हुई कि पहली दफा लोकतंत्र में कहना चाहता हूँ लोकतंत्र से पहले तो ये चीज़ें थी ही नहीं 70 साल पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी पीड़ा इतनी थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। जब सुप्रीम कोर्ट के नंबर वन होता है जज चीफ जस्टिस, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव, 2, 3, 4 और 5 अब चौथा वाला बन गया चीफ जस्टिस उसमें, दूसरा और तीसरा वाला रिटायर हो गया इस बीच में, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ 2, 3 और 4 और 5 नंबर वाले सीनियरिटी वाले जजेस सुप्रीम कोर्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश का लोकतंत्र कितना डरा हुआ है, खतरे में है कि सुप्रीम कोर्ट को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहना पड़ा। एक तो ये पहली दफ़ा, दूसरा ये दफ़ा पहली दफ़ा हुआ कि सीबीआई के डायरेक्टर नंबर दो उसका स्पेशल डायरेक्टर, वो भी बराबर ही होता है स्पेशल डायरेक्टर और सीबीआई डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर ही होते, नंबर वन ने नंबर टू को निकाल दिया और नंबर वन को चीफ विजिलेंस कमीशनर ने निकाल दिया और सरकार ने दोनों को छुट्टी में भेज दिया और सरकार ने दो नंबर के अफसरों को तो रखा और पहले नंबर वाले अफसरों को हटा दिया।